आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम के बारे में आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा। व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम क्या है आपके पास? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 11 में। कैटालिस्ट क्या होते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच स्पीड अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। हाँ, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है लेकिन वो खुद रिएक्शन में यूज नहीं होते, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, तेज करते हैं। अब क्या होता है, ऑब्वियसली हमारी बॉडी में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए जो कैटालिस्ट यूज होते हैं, जो हमारी बॉडी पे नेचुरली अक्रिंग मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम। तो हम कह सकते हैं एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है, जो लिविंग सेल में होते हैं और जो आपके बॉडी के केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली क्या है, आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एंजाइम्स आपके पास कौन से? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मैंने डिटेल के साथ बताया, व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स? मैक्रो मीन बड़े, इनके जो लार्ज नंबर ऑफ एटम से क्या करते हैं, ज्वाइन करके, मोनोमर से ज्वाइन करके फॉर्म हो रहे होते हैं आपके पास। जी आपके पास क्या है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है विद मॉलिक्यूलर मास, जिनका रेंज मिलियंस में मॉलिक्यूलर मास रेंज करते हैं। ऑब्वियसली मिलियन ट्रिलियंस अगर आपके पास मोनोमर्स कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन सकते हैं, एंजाइम्स बन सकते हैं। टू रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स आर दे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दो जो रिमार्केबल प्रॉपर्टीज है एंजाइम की, एक तो उनकी स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है, हर एंजाइम जो होता है वो सिर्फ एक रिएक्शन कैटालाइज कर सकता है, ठीक है जी, और वो कोई और रिएक्शन कैटालाइज नहीं कर सकता। लाइक सिंपल कह दो, जैसे लिपिड्स है, लिपिड्स के रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए लाइट है, लेकिन लाइपेज सिर्फ लिपिड के रेशो को कैटालाइज करेगा लेकिन किसी और रेशो को वो कैटालाइज नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो ओनली वन रिएक्शन और वन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन, ऐसे कोई रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन होंगे। एंड द एंजाइम एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। दे मे स्पीड अप अ रिएक्शन बाय फैक्टर 10^24, यानी कि आपके रिएक्शन को किस फैक्टर से इंक्रीज करता है, 10^24 से इंक्रीज कर देते। क्या होते हैं, जो स्पीड अप द रिएक्शन बाय फैक्टर अप टू 24, यानी कि 10^24 तक आपके रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। ईच एंजाइम मॉलिक्यूल पजेसेस ओरिजिन नोन। अब क्या होता है, हर एंजाइम पूरा एंजाइम काम नहीं कर रहा होता। जैसे अगर ये एंजाइम है आपके पास, तो एंजाइम में एक छोटी सी साइट होगी, जगह होगी जहां पर आपका क्या होगा, रिएक्शन कैटालाइज होगा। वो साइट क्या कहलाती है, आपके पास एक्टिव साइट्स कहलाती है। और आपका सब्सट्रेट जो होता है, व्हाट इज सब्सट्रेट, कि जिस पर एंजाइम में काम करना होता है, तो वो सब्सट्रेट आके इन एक्टिव साइट्स में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो दीज आर पार्ट ऑफ द एंजाइम, पूरे का पूरा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। एंजाइम में एक स्पेसिफिक साइट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं, किसके अंदर जी, आपके पास इन्वॉल्व हो रही हैं जी, रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, एंजाइम के इधर क्या प्रोटीन्स हो सकते हैं, और कॉन्टेन प्रोटीन सच एज एसेंशियल प्रोटीन कंपोनेंट्स एंड इन एडिशन रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स व्हिच आर आल्सो एसेंशियल फॉर, कहते हैं या तो आपका एंजाइम पूरे प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है जी, और कॉन्टेन सब प्रोटीन सच एज एसेंशियल कंपोनेंट्स। लेकिन सम कुछ आपके एंजाइम ऐसे हैं जो आपके पास नॉन प्रोटीन पार्ट से भी बने होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ाया है, उसमें आपके पास आपको पता है सिंपल प्रोटीन्स, ड्राइव प्रोटीन्स और कंपाउंड प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है जी। तो उसमें आपने पढ़ा है कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ इसमें नॉन फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया, सल्फर अटैच हो गया, ये डिफरेंट कंपाउंड्स आके इसमें क्या हो गया, अटैच हो गया आपके पास। द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम, जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है एंजाइम का, जो वो क्या कहलाता है, एपोएंजाइम कहलाता है। एंड द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होती है वो क्या कहलाता है, कोफैक्टर या कोएंजाइम। अब ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है, ठीक है। व्हाट इज एपोएंजाइम, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, और द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट विच इज अटैच टू द एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम। द कोफैक्टर जो होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक आयंस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो कोफैक्टर में जो है इनऑर्गेनिक आयंस, व्हाट आर इनऑर्गेनिक आयंस, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, डिफरेंट आयन्स हो सकते हैं, ठीक है जो आपने प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंट। और इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, ठीक है जी, कार्बन से बने कंपाउंड भी हो सकते हैं और मेटालो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर अलॉन्ग देयर रिस्पेक्टिव एंजाइम्स इंक्लूड। अब कहते हैं जी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें कौन सा है जी, आयरन है Fe2 पॉजिटिव विच इज क्रोमियम ऑक्सीडेज में मौजूद होता है, जिंक है विच इज प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मैग्नीशियम है विच इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज़-6-फॉस्फेटेज। ये तमाम के तमाम जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हुआ है, उनको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स से फिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा है जी क्रब साइकिल के अंदर ग्लाइकोलिस
प्रोसेस के अंदर ये तमाम एंजाइम यूटिलाइज होते हैं और हमें ये भी पता है कि इनऑर्गेनिक काइंड्स मौजूद होते हैं. मैंने एंजाइम कॉन्टेंट वाइटामस एज ए कोफैक्टर, बहुत एंजाइम में वाइटामस को फैक्टर के तौर पर काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे निकोटीन, अमाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडीएच, आप लोगों ने पढ़ा होगा. कॉन्टेंट निकोटीन, अमाइड, विटामिन, थायमिन, पाइरोफॉस्फेटेज है जिसमें क्या होता है विटामिन B1 होता है. ठीक है जी, तो ये तमाम की तमाम ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं. अब जब आप एंजाइम्स को नेम करते हो तो उसके एनपी क्या लगा देते हो, एज लगा देते हो टू द नेम ऑफ द सब्सट्रेट और विच द एंजाइम एक्ट. जैसे यूरेज है, यूरिया पे एक्ट कर रहा है तो यूरिया का जो एंजाइम होगा यूरेज का होगा, ASE. सक्रेज है, सक्रोज पे एक्ट कर रहा है. सेलुलेज है, सेलुलोज पे एक्ट कर रहा है. आर द एंजाइम विच एक्ट अपॉन द सब्सट्रेट लाइक यूरिया, सक्रोज एंड सेलुलोज. ठीक है जी, हम क्या करते हैं सब्सट्रेट के नेम जो होता है उसके अंदर में एज लगा देते हैं तो उसका एंजाइम बन जाता है. तो यानी इसके एंजाइम जो एक्ट कर रहा है यूरेज होगा, सक्रोज पे करेगा तो सक्रेज होगा और सेलुलोज पे कर रहा है तो सेलुलोज का होगा. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आता है. ठीक है, द कमीशन ऑन एंजाइम अपॉइंटेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासिफाइड एंजाइम इनटू 6 मेन टाइप्स. इसने क्या किया जी, IOB ने, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने आपके एंजाइम को 6 मेन टाइप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. कौन सी टाइप्स है देख लेते हैं जी. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑक्सीडोरिडक्टेज कहलाते हैं. नेक्स्ट एंजाइम कैटल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं. कॉमन एग्जाम्पल जो है वो ऑक्सीडेज है. डीहाइड्रोजिनेज है, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो ऑक्सीडेज कहलाएगा. डीहाइड्रोजन डी रिमूव, जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंजाइम वो डीहाइड्रोजिनेज कहलाएगा. एंड पेरोक्सीडेज है, जिनके पेरोक्साइड भी एक्ट कर रहा है वो पेरोक्सीडेज कहलाएगा. अगला है जो ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर करता है वो एंजाइम जो एक मॉलिक्यूल से फंक्शन ग्रुप को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा. दीज एंजाइम ब्रिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ फंक्शन ग्रुप सच एज फॉस्फेट और एसाइल बिटवीन टू कंपाउंड, या तो फॉस्फेट को या एसाइल ग्रुप को, एसाइल कौन पढ़ाया था, RC1O ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करता है, ट्रांसफर करता है. जैसे फॉस्फोट्रांसफरेजेस है, यानी कि वो आपका एंजाइम जो फॉस्फोरस को ट्रांसफर कर रहा है तो वो क्या कहेगा, फॉस्फोट्रांसफरेजेस ASE आ रहा है, विच एन एंजाइम. हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हाइड्रोमेन क्या होता है, ऑब्वियसली वाटर ब्रेकडाउन को कहते हैं. तो दे एंजाइम कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस, यानी वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस को कैटेलाइज करते हैं वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोलाइसिस कहलाएंगे. जैसे प्रोटीएजेस है, प्रोटोलिटिक एंजाइम है, प्रोटोलिटिक प्रोटोन को तोड़ने के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, लाइसिस है आपके पास, दे एंजाइम कैटेलाइज एडिशन ऑफ अमोनिया, ये एंजाइम जो होते हैं अमोनिया को ऐड कर रहे होते हैं. ठीक है, वाटर को ऐड कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के अंदर. या ये क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ दीज टू फॉर्म डबल बॉन्ड, या इनको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ताकि डबल बॉन्ड फॉर्म हो. अब देखो ये एडिशन भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को फिल अप भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एग्जाम्पल है जी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेसिस. ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेसिस है जो आपको क्या होता है, म्यूटेशन कास्ट कर रहता है. आइसोमराइजेस यानी कि वो एंजाइम जो आइसोमराइजेशन प्रोसेस को रन कर रहे होते हैं. दीज एंजाइम कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सब्सट्रेट. ये विद इन अ ग्रुप क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और आइसोमर्स फॉर्म कर रहे होते हैं. मैंने चैप्टर नंबर 7 में आइसोमर्स बड़े डिटेल के साथ आपको पढ़ाए हैं, व्हाट आर आइसोमर्स, फंक्शन ग्रुप, पोजीशन आइसोमर्स एंड डिफरेंट होते हैं. एग्जांपल जो है इज द कन्वर्जन ऑफ फ्यूमारिक एसिड टू मैलिक एसिड. आप फ्यूमारिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हो तो जो एंजाइम यूज होता है वो फ्यूमारेज एंजाइम है, ऑब्वियसली एज आ गया. अगर आपने मैलिक एसिड को फ्यूमैरिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, मैलेज हो जाएगा आपके पास एंजाइम. ठीक है, लाइगेसिस है आपके पास, दो एंजाइम लिंक टू मॉलिक्यूल टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड. ये एंजाइम दो मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं ब्रेकिंग द हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़कर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल एस कोएंजाइम है, कार्बोक्सिलेज है एंड सक्सैनिक थायोकाइनेज है आपके पास. तो ये तमाम एंजाइम यूज हो रहे हैं, तो ये 6 क्लासेस में डिवाइड हुए हैं जो जो आपके पास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिसिटी, अभी हमने बात की थी स्पेसिफिसिटी है, यानी कि हर एंजाइम जो होता है वो एक या ग्रुप ऑफ उससे रिलेटेड रिएक्शन को क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो हेक्सो Like glucose, fructose, aminoses को 2-6 phosphate derivatives में convert करता है. लेकिन अगर glucokinase देखा जाए तो glucokinase सिर्फ और सिर्फ glucose को run कर रहा है. अब देखो आपके पास क्या है, hexokinase क्या है, थोड़ा सा देखिए,
हेक्सोकाइनेज जो है आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कर रहा है और मैलोज को कर रहा है, लेकिन अगर ग्लूकोकाइनेज हमने स्पेसिफाई कर दिया तो वो सिर्फ उसको करेगा ग्लूकोज को कर रहा होगा, ठीक है। प्रोटीन नेचर अभी मैं बात की कि एंजाइम जो होते हैं फ्यू एक्सेप्शन आर प्रोटीन इन नेचर होते हैं, दैट प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स बट एक्टिन वी वन एंड विड्रॉ के लिविंग सेल के अंदर भी और लिविंग सेल के बाहर भी काम कर रहे होते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंजाइम की बात करें तो मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, द सेम एंजाइम कैटलाइजेशन बोर्ड है, ये एंजाइम दो रिएक्शन में कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, ठीक है। आइसो एंजाइम की बात करें दीज आर द एंजाइम फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट अ केमिकल और फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन इनकी केमिकल और फिजिकल नेचर क्या होता है डिफरेंट होती है, जैसे आइसो सेम, ठीक है जी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की बात करें तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं, द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डायरेक्टली जितनी सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना एंजाइम का रिएक्शन क्या होगा स्पीड अप होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इट्स मीन कि जैसे जैसे आपका यार क्या होगा आपके पास एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, आपके पास क्या होता जाएगा रिएक्शन स्पीड भी क्या होती जाएगी तेज होती जाएगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात करें तो एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर बेस्ट एट अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन एवरेज, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर या इसकी टेम्परेचर 37 है तो आपके पास क्या होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म होंगे। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, एक राइज टेम्परेचर करते जो एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज करते रहेंगे लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक हाफ लिमिट तक द एंजाइम यूजुअली डिस्ट्रॉय एट अ हाई टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हाई करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, द एक्टिविटी एंजाइम इज रिड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम रिएक्शन अकर द फास्टर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है जी। इफेक्ट ऑफ पीएच को देखें तो जस्ट लाइक टेम्परेचर देयर इज एन ऑप्टिमम पीएच, ऑब्वियसली जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर रहा होता है इस ऑप्टिमम पीएच होता है, हर एंजाइम में खास पीएच पे काम करता है, जैसे स्लाइवरी एमाइलेज आपके जुबान के अंदर आपके थूक के अंदर जो एंजाइम मौजूद होता है वो स्लाइवरी एमाइलेज है और ये 6.4 to 6.9 होता है इसका आपके पास पीएच, इससे ज्यादा कम पीएच होगी तो आपका एंजाइम काम करना छोड़ देगा। अदर सब्सट्रेट्स क्या होते हैं जो नॉन आपके पास को एंजाइम होते हैं, द एंजाइम एक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस, एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर कॉल्ड कोएंजाइम एक्टिवेटर इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल जैसे सम एंजाइम जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं और सिंपल प्रोटीन ओनली सच एज इंसुलिन, आपके जो कुछ एंजाइम होते हैं वो सिंपल प्रोटीन होते हैं इंसुलिन कहते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होता है वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके जो कोएंजाइम एंड एपोएंजाइम इनके प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट के। एक्टिवेटर क्या होता है कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जब वो एंजाइम में रिएक्शन में एड किए जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है मजीद इंक्रीज कर देता है, दिस कॉल्ड एक्टिवेटर। यू कैन से एंजाइम ऑफ एन एंजाइम के एंजाइम का भी एंजाइम होता है जैसे मैग्नीशियम और जिंक है और एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंड कार्बोनिक एंड हाइड्रेट एंजाइम रिस्पेक्टिवली है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं इनहिबिटर्स क्या होते हैं वो सब्सटेंसेस जो एक्टिविटी एंजाइम को क्या कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं। रेडिएशन की बात करें तो जो है रेडियली इनएक्टिव होते हैं जब आपके एंजाइम पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बीटा रेज गामा रेज और एक्स रेज जो होती है वो फॉल करेंगी तो वो एंजाइम के नेचर को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, जब एंजाइम की नेचर चेंज हो जाएगी रेडिएंटली क्या होगा रेडिएशन स्टॉप कर जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम आर ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एंजाइम की जो होती है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, सर्टेन डिजीजेस को भी आप डायग्नोस कर सकते हो जैसे कैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज रेज्ड इन रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स। अब क्या होता है अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स जो काम को कहते हैं जैसे पीलिया का वर्ड भी यूज करो, रिकेट्स कौन से होते हैं हड्डियों का टेढ़ापन हो जाना, ठीक है जी। अगर इसकी क्वांटिटी अल्कलाइन फॉस्फेटेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो रिकेट्स की बीमारी आ सकती है, जॉइंट्स हो सकता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज और LDH1 इज रेज्ड इन हार्ट डिजीजेस, जब हार्ट डिजीजेस होती है तो LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। मैनी एंजाइम हैव प्रूवन वेरी यूजफुल एज अ ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स के तौर पे भी काम आते हैं जैसे थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो आप क्या कर सकते हो थ्रोम्बिन यूज कर सकते हो। बहुत से एंजाइम जो होते हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल L-asparaginase हैव प्रूवन वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन, की जो ब्लड कैंसर चिल्ड्रंस में होता है उसको करने के लिए क्या किया जाता है L-asparaginase जो होता है एंजाइम यूज होता है, ठीक है।